कौन उल्लू है जो घंटी बजा रहा है यार है? मैं आदमी हूँ यार, इस वक्त सोता हूँ, उल्लू नहीं हूँ। हाँ, अरे फिर वही, क्या मुसीबत है, तमीज ही नहीं। हाँ नमस्ते, हमने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, सिर्फ आधी रात को नींद से जगाया है, डोरबेल बजा बजा के मेरा बिजली का बिल बढ़ाया है, डोरबेल की आवाज से मेरा सर दुखाया है, बस इससे ज्यादा तो कोई परेशान नहीं किया। अब आई एम वेरी सॉरी, मैं इंद्रदेव हूँ। इंद्रदेव धरती पर? प्रणाम। आप तो बहुत यंग हो, सूटेड बूटेड। देवता वाला देव नहीं, वो कपिल देव, सचिन देव, मुकुल देव, रामदेव, वो वाला देव। उन सब के भाई हो? नहीं नहीं, आप नींद में ना, तो समझाने के लिए बोल रहा था। एग्जाम्पल तो वो वाला देव, मैं इंद्रदेव और ये संध्या है। संध्या? अब इतना भी नींद में नहीं हूँ भाई, आधी रात हो गई है, संध्या शाम को कहते हैं। अरे अरे अंकल जी, मेरा नाम संध्या है। हाँ वो तो हम समझ गए, आप संध्या हैं, लेकिन यहाँ अंकल कौन है? पांडे जी। हाँ? ये नींद में दरवाजे से बातें कर रहे हैं आप? अरे नीलू जी, दरवाजे के पीछे लोग भी हैं। नमस्ते आंटी जी। कहाँ चले गए? नमस्ते आंटी। प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। नीलू जी इनको निकालिए बाहर। नीलू जी क्या है भाई, जाइए ना। अरे एक मिनट सुनने तो दो, क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो। वो हम बड़ी परेशानी में हैं, वो सड़क पर गुंडों ने हमें लूट लिया। हाँ सब कुछ लूट लिया, अब हम कहाँ जाएं? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। अभी अभी? ओह यानी बारात के सामने लूट लिया? अरे अंकल जी अभी अभी मतलब 7 दिन पहले। हम तो बम्बई आए थे अपने हनीमून के लिए। मुंबई हनीमून के लिए कौन आता है? चुप बैठिए ना। वैसे कल तक कोई आ जाएगा गांव से पैसे लेकर, मगर मगर तब तक सिर्फ 1 दिन के लिए हमें आश्रय दे दीजिए आंटी जी, प्लीज। आंटी? हमारे लिए तो आंटी है ना। देखिए ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे अंकल प्लीज। आप तो बिल्कुल भी नहीं। अंकल बेचारे मुसीबत में हैं, इतने रात गए कहाँ जाएंगे, रहने देते ना पांडे जी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। हमने कह दिया ना तो ना। क्या बोलता? कुछ नहीं, हम क्या बोलेंगे। जाइए आप लोग फ्रेश हो जाइए, इनको तुषार के कपड़े देते हैं, इनको करीना के, जाइए फ्रेश हो जाइए। थैंक यू। चल आप देवी हैं। थैंक यू। अरे आप नीलू जी, आप भी ना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हम क्या बोलेंगे, हमारी तो बोलती बंद है। देख लीजिए अब आपने तेल गरम किया है तो छौंक तो आप लगाएंगी ही, हमको पता है, करिए जो आपके मन में आए, लेकिन कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो हमको नीचा मत दिखाइएगा। कितनी प्यारी लगती हो ना तुम सुबह सुबह। बस सुबह, दोपहर में नहीं। नहीं हमेशा ही लगती हो, पर सुबह की कुछ बात ही कुछ और। अरे यार कैसे लोग हो यार तुम लोग, सब कुछ लुट गया फिर भी रोमांस चल रहा है। क्या अंकल, रुपयों के चले जाने से प्यार थोड़ी खत्म होता है। आपने भी शादी की है तो क्या शादी के बाद आपने आंटी के साथ रोमांस नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो शादी के बाद सिर्फ नीलू जी से प्यार किया है, पत्नी बेटा है ना हम। क्या अंकल जी आप भी, हम उन्हीं के बारे में तो बात कर रहे हैं, अब वो आंटी हो गई है ना अंकल जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें आज भी याद है शादी के बाद हनीमून के लिए जब हम इलाहाबाद गए थे संगम, तो नीलू जी से 2 रुपए खो गए थे, लेकिन उनके प्रति हमारे दिल में प्यार जो था उसमें बिल्कुल कमी नहीं आई। इसी को तो प्यार कहते हैं अंकल जी। इंद्र हम भी बाहर चलेंगे, खुले में खल कर दिल की बातें करेंगे, बोलो ना। चलो एक्सक्यूज। और खुले में जाना है तो जाइए जाइए, बाहर सब खुला ही खुला है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। कौन है भाई?
दो प्यार करने वाले कर रही हैं। अरे इन्हें जरूरत थी तो रात गुजारने के लिए हमने इन्हें अपना गेस्ट रूम दे दिया। हमसे कह रही हो किसी और से ना कहना भैया जी, छोड़ो। का आपका दिमाग का सोचता है भाई? अरे भाई सॉरी का सॉरी। अरे हम बताएं, इनसे मिलने के बाद हमको एहसास हुआ कि हमारे जीवन से तो प्यार चला ही गया। कसम बजरंग बली के भैया जी, माला जपते हुए भजन करने के दिन है आपके, कहाँ पड़े चक्कर में। इतने बुढ़े नहीं हुए हैं हम, देखना आप देखना, हम अपनी और नीलू जी की जिंदगी में फिर से बाहर लाएंगे। हमको बड़े बुजुर्गों की कहावत याद आ गई, दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता जरूर है। हम भी फड़फड़ाएंगे? आई मीन नहीं, हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे? हमें तो प्यार करने के नुस्खे आते ही नहीं। ये सिखाएंगे ना अंकल जी, इन्हें तो सब कुछ आता है। अच्छा? हाँ, हमने बहुतों की बीवियों के दिलों में प्यार की लौ जलाई है। उनके पतियों के प्यार की लो। वाह वाह, पत्नियों के दिल में पतियों के प्यार की लो। लो वाह 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 वाह, ये प्यार की लो जो है ना, ये घर का जला के राख ना कर दे तो कहना। कुछ कह रहे हैं क्या? ना ना, हमारे अंतरात्मा की आवाज से भैया जी, थोड़ी लाउड हो गई इस बार। इसको लो करना हमको आता है, भेज देंगे सीधा पटन। हर औरत को फूलों से बेहद प्यार होता है। वही हम कहें कि भाभी जी के दिल में भैया जी के लिए प्यार काहे कम हो गया है। काहे कि देखो भैया जी चाहे देखने में कैसे हो, बातें चाहे जैसी करें, लेकिन है बड़े इंटेलिजेंट नॉटी बॉय। ये फूल की बातें कर रहे हैं, फूल की नहीं। अच्छा फूल, फ्लावर। तो भाभी जी को बहुत ही पसंद है। जब कभी भी भाभी जी काली फ्लावर की सब्जी बनाती हैं, तो पूरे मामले में सुगंध आती है, और जो एक बार खा ले तो समझे बार बार उंगलियां चाटा है। अरे आप बिना डबल फूल है। मतलब अरे यार, खुशबू वाले फूल की बात कर रहा हूँ। तो भाभी जी जब कभी भी काली फ्लावर बनाती हूँ, बदबू आती है का? आपका क्या करूँ, मेरे तो समझ में नहीं आता। ज्यादा मटर गस्ती मत कीजिए, मटर छीलिए। औरत की हमेशा करीब रहना चाहिए, उसे छू कर प्यार जताते है ना, तो उसे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अब तो ऐसा ही करेंगे हम। हाँ, औरत को शेर बहुत अच्छे लगते हैं। भाभी जी बड़े सॉफ्ट हैं, उनको शेर पसंद नहीं, उनको पसंद है हिरन, खरगोश। ये शायरी की बात कर रहे हैं अंकल जी, यहाँ आइए। औरतों की साइकोलॉजी मैं इन्हें बताती हूँ। देखिए, अच्छी अच्छी समझदार वाली बातें करिए, शायरियाँ बोलिए, और इस तरीके से आप किसी भी समझदार औरत का दिल यूं जीत लेंगे। क्या बात कर रही हैं? गाय पे काट रही हमारे भैया जी का। किसी भी समझदार औरत में क्या है, किसी भी औरत के दिल पे प्यार जगाने की क्या जरूरत है? अरे तरीका बताना तो ऐसे बताइए कि भाभी जी के दिल में कैसे जगह बनाई जाए। आप भी ना, आपकी कंपनी में हमें संग महसूस होती है, हम वापस भेज देंगे। देखिए हम प्रेम की कक्षा में प्रेम की दीक्षा ले रहे हैं, समझे ना, दो प्रेमी बैठे हैं यहाँ। जी जी सॉरी सॉरी। अब जो भी हमने आपको बताया है ना, अगर आप उसको आजमाएंगे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? देखिए हम आजमाएंगे, बिल्कुल आजमाएंगे, जैसे आपने बताया वैसे ही आता। लेकिन अंकल जी स्टाइल में, स्टाइल की तो बिल्कुल कमी नहीं है, तरह तरह की स्टाइल मुझे मालूम, तू तो पैदाइशी एक्टर। इस बात से एक बात याद आई, आंटी का फेवरेट एक्टर कौन है? जंगली। क्या? या हूँ शब्बी का बोल सकता। हम ही पांडे हैं, त्रिभुवनदास पांडे फ्रॉम पटना, नाउ इन मुंबई। अचानक इतने ढेर सारे बाल कैसे हो गए? ये आपके ढेर सारे प्यार का कमाल है। अरे छोड़िए, मुझे डर लग रहा है, छोड़िए। अरे हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे डरते हैं। एक मिनट रुके। नशा किया है क्या? नहीं नहीं, वो नशा नहीं किया है, ये तो आपके प्यार का नशा है, आपके हुस्न का कमाल है, ये लीजिए ये। आपको पता है मुझे पीले रंग के फूलों से एलर्जी होती है। फूल मत देखिए, आप हमारा दिल देखिए, दिल जिसमें सिर्फ आप ही आप हैं, आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। पागल हो गए क्या?
पागल हो गया, पागल हो गया। प्यार से कहो पगला कहीं का, 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 पगला, 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 आपकी आपकी जीत सी आंखें, आपका चांस अचेरा, पागल हो गया हूँ, पगला ऐसा कहा वैसा करके दीजिए। कहो आपके भैया जी पगला गए। पगलाए गए? पगलाए गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? डरिए नहीं, देखिए हम तो डर नहीं रहे हैं। हम पीके श्रीवास्तव, हम कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए। करिए ना, हम डॉक्टर को बुला कर आएंगे। चाहिए चाहिए, हम जा रहे हैं। हम यूं गए और यूं आए। चाहिए चलती हूँ भाभी जी। आगे डॉक्टर नहीं, अरे डॉक्टर को ना SMS हो, इतनी जल्दी आ जाएंगे तो? भाभी जी हम ये कहने आए थे, आप थोड़ा प्यार से काम लीजिएगा। डॉक्टर से? अरे नहीं भैया जी से। कहा है कि पागल आदमी अगर नाराज हो जाता है ना भाभी जी, तो गला दबा के मार डालता। भाभी जी हम जा रहे हैं। जाइए। आज हम सोच रहे थे नीलू जी कैंडल लाइट डिनर पे जाए। जाएंगे जरूर जाएंगे, मगर आप खट्टा मत खाना, गला खराब होता है। ओके ओके, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। जाएंगे, मगर मफलर साथ में लीजिए। क्या हुआ? आप क्या कर रहे हैं? अरे हम आपको गले लगा रहे हैं, आपका गला नहीं दबा रहे हैं। इंद्रदेव के नुस्खे काम आ रहे हैं। नीलू जी समझ रही हैं हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। क्या बोलता? हम क्या बोलेंगे? वो नुस्खा इंद्र प्यार क्या? ओ, वो तो हमारे दिल की आवाज थी जो आज शम्मी कपूर की तरह थोड़ी लाउड हो गई है। कम से कम आपको हमारे दिल का हाल तो पता चला। गए पीके जी, क्या करूं अब? भाभी जी पागल डॉक्टर आ गए। पागलो का डॉक्टर हूं मैं। हेलो हेलो, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। कैसे हैं? चुप रहिए, हमारे घर के पागल को देखिए। मैडम पागल को पागल नहीं कहना चाहिए। नहीं नहीं, फिर क्या कहना चाहिए? कुछ भी कहिए, पागल को पागल कहने से उसका पागलपन बढ़ता है। हमें एहसास दिलाना चाहिए कि वो पागल नहीं है। वो जो पागल हैं, मतलब जो पागल नहीं है वो ऊपर, मेरा मतलब जो पागल हैं जिन्हें कहना नहीं चाहिए वो ऊपर हैं। आइए ऊपर। अरे तो फिर डॉक्टर को क्यों बुलाया? म्युनिसिपैलिटी को फोन करना चाहिए। इतनी ऊपर नहीं है भाई, फर्स्ट फ्लोर पे अपने कमरे में आई। रास्ता बताइए। रास्ता लेफ्ट राइट लेफ्ट। आइए। फिर बड़ा लंबा रास्ता है। एक मिनट, कोई छोटा रास्ता नहीं है? LRL मतलब? मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट। मेरी बात सुनिए, से पहले कि मैं पागल हो जाऊं मैं रास्ता दिखा दूं आपको। चलिए पागल। आपके नुस्खे काम कर रहे हैं इंद्रदेव। अंकल आपसे कह रहा हूं, देख रहा हूं मैं, नीलू जी हमारी बातें मान रही है, हमारे जीवन में प्यार की बहार आ गई है। कांग्रेट। थैंक यू। साइड प्लीज, जरा पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए। पेशेंट ये है? अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो कह रहा है यार ये? रिलैक्स। क्या रिलैक्स? ये कोई मुझे बताएगा ये किस चीज का इलाज हो रहा है? रिलैक्स, जनरल चेकअप और कुछ नहीं। आप डरिए मत, आप पागल नहीं। आप पागल हैं जो बिना वजह मेरा इलाज कर रहे हैं। भाभी जी ने हमसे कहा डॉक्टर को बुलाओ तो हमने बुला लिया, क्योंकि इनको ये लगा कि आप पागल हो। रिलैक्स, डरिए नहीं, आप पागल नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ, आप अपना ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बंद कीजिए। अरे आंटी जी ये सब हो क्या रहा है? सुबह तक तो अच्छे भले थे। सुबह तक मतलब अभी पागल हो गया? आप पागल नहीं, आप डरिए मत। आप पागल है, आप पागल है। अरे पर हुआ क्या है? क्या हुआ? ये सुबह से नौजवान प्रेमियों की तरह हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ। ये सुनाओ, नौजवान प्रेमियों की तरह भाभी जी के साथ हरकत कर रहे हैं? ये पागलपन नहीं अपराध है? आप भाभी से प्यार का इजहार कर रहे हैं? अरे मैं ये कमबख्त, अरे इसकी भाभी है। हाँ। मेरी तो ये है। मेरी बात सुनिए आप। हाँ। भाभी किसी की भी हो उससे प्यार करना गलत है। आप मानसिक रोगी है, आपको फांसी होगी। डॉक्टर साहब अंकल आंटी से बहुत प्यार करते हैं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हाँ, बस जता नहीं पा रहे थे। हाँ।
वो तो मेरे इंदर ने इन्हें सारे तरीके बताए थे। और आप आप तो वहीं पे थे ना जब ये तरीके बता रहे थे। आप थे ना वहाँ, बेटा टैक्सी कर रहे थे। हाँ वो भूल गए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। दूसरों की भाभी से प्यार करने का तरीके आप सिखा रहे थे ने? अंकल बेइज्जती कर रहे हैं। सही कह रहा है तू, मैं पागल हूँ और अब ये पागल तेरा मर्डर करेगा। सुनिए सुनिए, देखिए मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, आपका मुजरिम हूँ, आप जो चाहे मुझे सजा दे। छोड़ दीजिए। हमारे प्यार को पागलपन समझ बैठी क्या करूं, 25 साल हुए हमारी शादी को, आज तक आपने कभी इस तरह से बर्ताव ही नहीं किया मेरे साथ। अब तो हम करेंगे, अब तो हम जिंदगी भर ऐसे ही बर्ताव करेंगे। क्या बोलता है? सच बोलता है भैया जी, स्टॉप कर दियो वरना ऐसे ना हो मरने के बाद भूत बन के आप कंटिन्यू कर लियो। करेंगे, हम तो भूत बन के भी कंटिन्यू करेंगे। क्या बोलता है?